everyone, welcome to my YouTube channel Study Shivit Krati 2. And I know it's 23rd of May. You are going to have your exam for public administration on 24th of May. So this video is all about that you need to focus while writing your theoretical answer for any paper. So make sure you watch this video till the end. And here, let's get started with this one. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इट्स नथिंग दैट की सेम टू के बच्चे ही देखे, सेम फोर के बच्चे देखे या फिर जो है वो सेम सिक्स के देखे. 24th ऑफ मे को बी ऑनर सेमेस्टर फोर स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. तो मेरा जो मेन स्ट्रक्चर है और मेन मेरा जो वीडियो है दैट इज डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑडियंस. बट सेम टू एंड सेम सिक्स के भी पेपर चल रहे हैं तो आप आंसर स्ट्रक्चर देख सकते हो. ऑलवेज रिमेंबर इट्स नथिंग अबाउट किसने कितना थ्रू आउट एग्जाम सेमेस्टर पढ़ा है. जो बच्चे कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं डेफिनेटली उनके मार्क्स में भी कंसिस्टेंसी आती है. आई हैव माई बैड स्टूडेंट्स, दे वर बी लाइक अगर किसी उन्होंने सेमेस्टर में 8.2 किया था, मैक्स टू मैक्स 8.4 8.2, मतलब उनका एक मेंटेन्ड है जिससे वो नीचे गए नहीं. एंड आई एम प्रिटी श्योर दिस टाइम एज वेल दे विल बी एबल टू मेंटेन इट. सो व्हाट समथिंग दैट दे आर डूइंग एंड यू गाइज आर नॉट डूइंग इट, इट्स ऑल अबाउट द आंसर राइटिंग. बिकॉज हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं एंड दैट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप जितना लिखते हो उतनी वैल्यू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखते हो. Always make sure you follow certain kind of a, you know, pattern while writing your answer. For instance, let me tell you all, here's a question, let's see. ये आया आपका social welfare policy पे, ठीक है? तो ये होती क्या है? इसको हम देख लेते हैं. Social welfare policies we gonna talk about. तो you will be going through introduction and introduction you will be writing about की सोशल वेलफेयर पॉलिसीज होती क्या है, ठीक है? और मतलब आपको डेफिनेशन नहीं देना है बट मेनली इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, पहली बार कहाँ पे, यूएसए की गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट, और इफ पॉसिबल ट्राई टू कनेक्ट इट विद आर एंशियंट लिटरेचर और मतलब एंशियंट टाइम. जैसे कि पुराने जमाने में राजाओं के पास जो है वो रिलीफ फंड हुआ करता था, तो जब भी प्रजा को कोई समस्या होती थी, ड्रॉट आ गई या फिर फ्लड आ गया, उस वक्त उस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है? नाउ गवर्नमेंट इज मोर एक्टिव अबाउट इट एज वी चूज आर स्टेट एंड स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर प्रॉब्लम्स एज वेल, लाइक फॉर आर प्रॉब्लम सोल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर मेन बॉडी में आप कवर करेंगे मेनली कि ये सोशल वेलफेयर पॉलिसी है क्या, ठीक है? तो यहाँ पे आप मेन डेफिनेशन करेंगे. अंडर दिस वन यू विल बी गोइंग थ्रू, जहां तक मुझे याद है सेमेस्टर फोर स्टूडेंट्स के लिए मैंने एजुकेशन एंड हेल्थ पे फोकस करने को बोला था, है ना? तो एजुकेशन एंड हेल्थ वाले टॉपिक पे आप फोकस करके लिखेंगे एंड यू विल बी जस्ट इलेबोरेटिंग दीज. इसमें जो स्टैटिस्टिकल डेटा है या इसमें है वो करेंगे, देन कमिंग टू योर कंक्लूजन. Now here's a rough answer structure. Now what I'm gonna do is that मैंने 3 से 4 questions के लिए answer structure तैयार किया है जो मैं यहाँ पे present कर दूंगी, ठीक है? तो here you would be seeing मतलब multiple answer structure आएंगे. Just pause the video, take a screenshot of it if you want, and I'll be mentioning the question as well. That will make it more easy for you to attempt that particular one. अगर आपको कोई question दिमाग में है और आपको answer structure चाहिए उसका answer structure, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर लीजिए. सो इट्स एक्चुअली प्रिटी सिंपल टू गो अहेड विद दैट पर्टिकुलर पैटर्न. तो बहुत सारे आंसर स्ट्रक्चर से एक बार अगर आपको आंसर स्ट्रक्चर को फॉलो करना आ गया और किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना, इट्स वेरी इजी. नाउ ऑलवेज रिमेंबर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी डिफरेंट. इंट्रोडक्शन इज समथिंग दैट इन द बिगनिंग, जैसे कि सोशल वेलफेयर पॉलिसी पे हम क्वेश्चन अज्यूम कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में फ्रॉम वेयर इट एक्चुअली हैज ओरिजिनेटेड. लेट सपोज बजट साइकिल वाला टॉपिक ले लेते हैं, तो बजट साइकिल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, व्हाट इट इज एंड हाउ इट गोज. कंक्लूजन इज ऑल अबाउट द रेलेवेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन टू दैट आंसर, ठीक है? तो आपको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है. आंसर राइटिंग रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में. आई विल लव टू गिव आंसर टू यू ऑल बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फोकस करो. सो आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. सो इन केस अगर किसी टॉपिक पे इलेबोरेशन भी चाहिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, बिकॉज 23rd है भाई, मुझे जागना पड़ेगा. आई वुड बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस. बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. होपफुली आपको आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा, बिकॉज आई कांट गो इन अ डिटेल. कोर्सेज के लिए प्रिपेयर किए थे, सो आई गॉट सम ऑफ द आंसर्स फॉर यू ऑल सो दैट यू कैन ऑल्सो सी. बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.